हेलो फ्रेंड्स, एनीज किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर हम इसे बनाकर अपने फ्रिज में रख लें तो हमारी सब्जी जो है वो बहुत जल्दी बन जाएगी और कुकिंग की प्रिपरेशन में जो टाइम लगता है वो हमारा सेव हो जाएगा। इसको यूज़ करके इवन बिगिनर्स भी आसानी से खाना बना सकेंगे। तो आज हम बनाना सीखते हैं प्याज, टमाटर और लहसुन की प्यूरी। इन तीनों चीज़ों के साथ हमको चाहिए थोड़ा सा कुछ बूंदे ऑयल की, कुकिंग ऑयल की, और थोड़ा सा पानी। सबसे पहले हम इस प्रेशर कुकर में ये प्याज, कटे हुए प्याज हैं ये, और ये कटे हुए टमाटर हैं, ये डाल देंगे। और साथ में ये जो छिले हुए लहसुन है ये डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 50 ml, और इसका ढक्कन बंद करके इसको हम पकाएंगे। अब मैंने कुकर को गैस के ऊपर रख दिया है और फ्लेम फुल पे रखा है ताकि प्रेशर कुकर में अच्छे से प्रेशर बन जाए। जैसे ही फर्स्ट सीटी बजेगी हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देना है और 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकने तक हमने इसको पकाना है। तो आइए वेट करते हैं विसल का। फर्स्ट विसल आ गया है, अब हम गैस को सिम पे कर देते हैं और 5 मिनट तक पकाते हैं ताकि सब्जियां पूरी तरह से गल जाएं। मैंने इसको काफ़ी देर तक ऐसे ही छोड़ दिया था पूरी तरह से ठंडा होने के लिए। आइए देखते हैं, ये पक गया है। अब इसको हम इस ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करते हैं। मैंने इसको पूरी तरह से ब्लेंड कर दिया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहेगी। अब हम इसको बॉटल में शिफ्ट करते हैं। मेरे पास एक ये कांच की बॉटल थी, इसके ऊपर मैं ये किचन फनल लगा रही हूँ और अब इसमें इसको हम भरते हैं। याद रखिएगा, बॉटल में फिल करने से पहले आपका ये जो प्यूरी है ये बिल्कुल ठंडा हुआ होना चाहिए। ये मैंने पूरी तरह से फिल कर दिया है। अब इसके टॉप पर मैं थोड़ा सा कोई भी कुकिंग ऑयल डाल दूँगी जिससे ऑयल की लेयर बन जाएगी और ये काफ़ी दिनों तक, लगभग 15 से 20 दिन तक आप फ्रिज में रख सकते हैं। अब हम इसको कैप कर देते हैं और ये अब तैयार है फ्रिज में रखने के लिए। अब ये भी है मेरे पास, ये मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप इसको खुले मुंह के किसी डिब्बे में भी रख सकते हैं, लेकिन इसको आप थोड़ा जल्दी यूज़ कर लें, कम से कम 4-5 दिन के अंदर, क्योंकि इसको आप बार बार खोलेंगे और ये खुला है तो ऑब्वियसली इसको हमें थोड़ा जल्दी फिनिश करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा टमाटर, प्याज और लहसुन का प्यूरी तैयार है। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसको हम किस तरह से कहां-कहां कौन सी रेसिपीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।